हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। आज कराने वाले हैं जनरल इंग्लिश क्लास 11 हॉर्नबिल से पोएट्री सेक्शन से जो चार पोएम हैं, ए फोटोग्राफ, द बॉयस ऑफ द रेन, चाइल्डहुड, फादर टू सन का जो 1 और 2 मार्क का जो क्वेश्चन होते हैं, ऑल 1 और 2 मार्क्स क्वेश्चन आंसर्स 2024। तो देखिए, तो यहाँ पर आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि 2013 से, ठीक है, 2013 से होके 2023 तक जितने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं एग्ज़ाम में, वो क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे और वो देने के साथ साथ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं इन चारों में से, तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। लगभग 80 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे और कॉमन मिलेगा बहुत। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले चाहूँगा कि आप लोग बीएस ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, और ये वाला पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे चैनल टेलीग्राम ग्रुप बीएस ट्यूशन क्लासेस में। तो पहला क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि जो फोटोग्राफ 4-5 लाइन उठा के भी दे सकता है, एक एक नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, नहीं तो 2-2 मार्क का एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, कौन है, शीले टॉल्सन है, सिर्फ फोटोग्राफ में से होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई द पोएम इट फोटोग्राफ इज प्लेस्ड आफ्टर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, तो यहाँ पर यह बताता है कि जो पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी है, सेप्टर है, इसके बाद एक फोटोग्राफ पोएम को रखा गया है, ऐसा क्यों है ना, तो ऐसा सीरियली रखा गया है क्योंकि द पोएम ए फोटोग्राफ इज प्लेस्ड आफ्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी बिकॉज ऑफ द थीमेटिक रिलेशन बिटवीन द टू, क्योंकि इन दोनों का जो थीम है वो सेम टू सेम है, ठीक है, इन दोनों का, ए फोटोग्राफ का और द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का जो थीम है सेम टू सेम थीम है, ठीक है, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 3, What has the camera captured in the poem? क्या कैप्चर किया था कैमरा? The camera has captured the photograph of the poet's mother and her 2 cousins. ठीक है, तो ये आंसर है, poet's mother and her 2 cousins. उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 2 मार्क्स का, Whose transient feet the poet is talking about? किसके transient feet के बारे में बताया गया है, Why are they transient? और वो transient क्यों है, यहाँ पर ट्रांजिएंट का मतलब है जो मतलब परमानेंट नहीं है, ठीक है, तो किसके बारे में बता रहा है, द पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट द ट्रांजिएंट फीट ऑफ द 3 गर्ल्स, जो 3 लड़कियाँ थी, उन 3 लड़कियाँ की जो फुटप्रिंट है, पाव का जो छाप है, उसको ट्रांजिएंट बताया गया है, क्यों, ऐसा क्यों बोला गया, द 3 गर्ल्स वर ट्रांजिएंट बिकॉज शी वाटर वॉश द फुटप्रिंट्स अवे, क्योंकि उनका जो पाव का छाप सागर किनारे पड़ा था वो धोके चला जाता था, कौन धो देता था, सी वाटर, सागर के पानी, ठीक है, इस वजह से ट्रांजिएंट बोला गया है वो 3 लड़कियों के पैर के छाप को। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई वुड द पोएट्स मदर लव एट द स्नैपशॉट, फोटोग्राफ देख के हंसी क्यों थी पोएट्स की मदर, द पोएट्स मदर लव्ड एट द स्नैपशॉट बिकॉज शी रिमेंबर्ड हर एन्जॉयबल पास्ट, वो अपने एन्जॉयबल पास्ट को याद कर रहे थे, दे वेयर फनी ड्रेस, वो फनी ड्रेस पहने हुए थे, इस वजह से हंसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द पोएट्स मदर लव्ड एट द स्नैपशॉट, जो पोएट की मम्मी थी वो फोटोग्राफ को देख के हंसी थी, व्हाट डिड दिस लव इंडिकेट, वो जो हंसी, वो हंसी क्या इंडिकेट करती थी, द पोएट्स मदर लव एट द लव इंडिकेट्स आर जॉयफुल चाइल्डहुड, तो वो जो फोटो देख के हंसी थी उससे ये पता चलता है कि वो जो चाइल्डहुड था वो एन्जॉयबल था, जॉयफुल था, एन्जाइटी लेस था, वॉज फ्री फ्रॉम एन्जाइटी और वरीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3 स्टैंजास ऑफ द पोएम डिपिक्टेड 3 डिफरेंट फेजेस, व्हाट आर दे, ये जो पोएम है 3 स्टैंजा पे है और 3 स्टैंजा 3 फेजेस को दर्शाता है, 3 फेजेस, और फेजेस क्या क्या है, देखिए फर्स्ट स्टैंजा में क्या बताया गया है, द फर्स्ट स्टैंजा वाज चाइल्डहुड फेज ऑफ पोएट्स मदर, पोएट के माता जी के चाइल्डहुड फेज को बताता है, ठीक है, इट डिपिक्टेड द स्वीट स्माइलिंग फेसेस ऑफ द 3 गर्ल्स, और ये जो चाइल्डहुड मोमेंट है वो क्या दर्शाता है कि ये जो समय था एन्जॉयबल था, स्वीट था, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड स्टैंजा इज अबाउट द मिडिल एज, मम्मी जी के मिडिल एज के बारे में बताता है, ठीक है, जब वो फोटो को देख के हंस रही थी। थर्ड स्टैंजा इज अबाउट द डेथ ऑफ द पोएट्स मदर, और थर्ड स्टैंजा जो है वो पोएट की जो मम्मी है वो मर गई थी, उसके बारे में है थर्ड स्टैंजा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज़ द बिग गर्ल मैंशन इन द स्टोरी, मैंशन इन द पोएम,
इस पोएम में जो मेंशन है बिग गर्ल, वो बिग गर्ल कौन है? बेसिकली पोएट्स मदर है, तब उनकी उम्र 12 साल की थी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वेयर द नेम्स ऑफ द टू कजिन, दो कजिन का नाम क्या क्या है? डॉली एंड बेटी। क्वेश्चन नंबर 10, हु क्लिक द फोटो किसने खींची? मैटरनल अंकल, मामा जी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर दे वेंट फॉर हॉलीडे के लिए, कहाँ पर गई थी? सी बीच में गई थी। उसके बाद 12 नंबर पे देख लीजिए, व्हाट डज द कार्डबोर्ड शो द पोएट, कार्डबोर्ड में क्या दिखाई दिया पोएट को? पोएट्स मदर एंड हर कजिन, ये तीन लोग दिखाई दिए। हाउ डिड द गर्ल गो टू द सी बीच, सी बीच पे कैसे गए? पेडलिंग करके, पैदल, ठीक है, मतलब पैदल चल रहे थे सी बीच के साइड से। व्हाई डिड द टू गर्ल कजिन्स होल्ड वन ऑफ द पोएट्स मदर, तो समझ में आया होगा आप लोगों को, जो कजिन थी दो, वो पोएट्स के मदर के हाथ पकड़े हुए थे दोनों, ऐसा क्यों? पोएट्स मदर वॉज द एल्डेस्ट अमंग देम, क्योंकि जो पोएट्स के मदर है, मदर थी, वो सबसे बड़ी थी वहाँ पर, ठीक है, 12 साल की, तो इस वजह से पकड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ ओल्ड वॉज द पोएट्स मदर, पोएट्स की मदर की उम्र कितनी थी तब? 12 साल की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज द वर्ड पेडलिंग मीन, पेडलिंग का मतलब क्या है? पैदल चलना है ना, वॉकिंग इन द शेलो वाटर विदाउट शूज, आप नंगे पैर जब पानी में चलते हो वो। क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज द बिग गर्ल इन दिस पोएम, वो बड़ा लड़की कौन थी? पोएट्स की मदर थी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द ऑपोजिट वर्ड शोज, शोज का ऑपोजिट वर्ड क्या है पोएम में मेंशन है? शो, इसका ऑपोजिट हो जाएगा हाइड, ठीक है, दिखाना, छिपाना। क्वेश्चन नंबर 19, और ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है इस पोएम का, व्हाई हैड द वर्ड कार्डबोर्ड बीन यूज्ड, कार्डबोर्ड यूज क्यों किया गया इस चैप्टर में, ठीक है, फोटोग्राफ या स्नैपशॉट कुछ और यूज ना करके कार्डबोर्ड के इस्तेमाल किया गया पोएम में, ऐसा क्यों? द वर्ड कार्डबोर्ड हैज बीन यूज्ड टू डिपिक्ट दैट द फोटोग्राफ इज मेनी इयर्स अगो, सिर्फ दिखाने के लिए कि बहुत पुराना फोटो है, बहुत पुराना फोटो है, इस वजह से इसको दिखाने के लिए कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट है हमारा द वॉइस ऑफ द रेन, वॉइस ऑफ द रेन का जो पहला क्वेश्चन है, व्हो इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, इस पोएम पोएट का नाम क्या है? वॉल्ट व्हिटमैन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पोएट आस्क टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, क्या क्वेश्चन पूछा था? हु आर यू, हु आर दाउ पूछा था, हमने उसको ट्रांसलेट किया है, हु आर यू पूछा था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द रेन रिप्लाई टू द पोएट्स क्वेश्चन, हु आर यू, जब पोएट ने पूछा था हु आर यू, तो रेन ने इसका जवाब क्या दिया था? वो दिया था कि शी इज पोएम ऑफ अर्थ, उसको ट्रांसलेट किया, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ ऐसे करके बोला था, तो उसको हमने ट्रांसलेट करके ऐसे लिखा, शी इज पोएम ऑफ अर्थ, ठीक है, यहाँ पर रेन को शी करके हमने बोला है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज द रेन टेल द पोएट दैट शी कैनॉट बी टच, रेन ने ऐसा क्यों कहा कि उसे कोई टच नहीं कर सकता? बिकॉज शी राइजेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, क्योंकि वो वाटर वेपर जैसे उठता है, तो इस वजह से कोई इसे टच नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम व्हिच टू प्लेसेस डज द रेन राइज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, रेन कहाँ से उठता है? रेन राइज फ्रॉम द वाटर वेपर के हिसाब से कहाँ से उठता है? लैंड से और बॉटमलेस सी से, पढ़ा होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है देख लीजिए, व्हाट हैपेंस टू द अर्थ व्हेन द रेन फॉल्स बैक ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ को क्या हो जाता है जब बारिश अर्थ के सरफेस में पड़ता है? आंसर है, इट ब्यूटिफाइज एंड प्यूरिफाइज द अर्थ, ये अर्थ को, पृथ्वी को सुंदरता से भर देते हैं, है ना, प्यूरिफाई कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं, सुंदरता से भर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द पोएट कंपेयर द रेन विथ, बारिश को किसके साथ कंपेयर किया गया? गाने के साथ, सॉन्ग के साथ, लास्ट आंसर पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द वर्ड डिसेंड मीन, डिसेंड का मतलब क्या होता है? काम डाउन, नीचे आना, ठीक है। व्हाट डज द रेक्ट और अनरेक्ट मीन, रेक्ट और अनरेक्ट का मतलब होता है केयर्ड और नॉट केयर्ड, केयर करे या फिर ना करे, इसका मीनिंग ये है। 10 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हु आर दाउ, व्हाट दाउ का मतलब हु आर यू। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम वेयर डज द रेन राइज इटर्नली, रेन कहाँ से उदय होता है? वो है आउट ऑफ लैंड एंड द बॉटमलेस सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई इज द रेन सो एसेंशियल ऑन द अर्थ, जो रेन है, बारिश है, इस पृथ्वी में बहुत ही ज़रूरत होता है इसका, बारिश का, ऐसा क्यों? क्योंकि द रेन गिव्स बैक लाइफ टू द अर्थ, इस पृथ्वी में जो जीवन देते हैं, कौन देते हैं?
बारिश देते हैं। इट प्यूरिफाइज द अर्थ, इस अर्थ को पवित्र बना देते हैं। मेक्स ब्यूटीफुल एंड शेयरिंग, शांति से भर देते हैं, ये बारिश के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज द रेन डू डे एंड नाइट, दिन रात बारिश का काम क्या है? आप सभी को बताएं बारिश का काम क्या है, दिन रात ब्यूटीफुल बना देते हैं, प्यूरिफाई कर देते हैं, ठीक है। द रेन राइजेज डे एंड नाइट फ्रॉम द लैंड एंड द बॉटमलेस सी इन टू द स्काई, बारिश हर दिन क्या करते रहते हैं, जो लैंड है बॉटमलेस सी है बाहर से उठ के व्यवहार बन के स्काई में आकाश में चले जाते हैं एंड शावर ऑन अर्थ, उसके बाद बारिश दे देते हैं। इट वॉशेस अवे ऑल द ड्राफ्ट, जितना सारा ड्राफ्ट है, डस्ट है, इम्प्योरिटीज है, इस अर्थ का वो क्लीन करते हैं। डे एंड नाइट एंडलेसली द रेन गिव्स बैक लाइफ टू द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन, जहाँ से इसका जन्म हुआ है बारिश, उस जगह को वो क्लीन करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, जीवन दान देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ रेन ब्रॉट आउट इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, कम से कम 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो साइक्लिक मूवमेंट को कैसे दिखाया गया है पोएम में, रेन का जो साइक्लिक मूवमेंट, देखिए, द बर्थ प्लेस ऑफ द रेन, द बर्थ प्लेस ऑफ द रेन इज द अर्थ, जो बारिश का, रेन का जन्म कहाँ पर होता है, सबसे पहले तो अर्थ में ही होता है। इट कॉन्टिन्यूसली राइजेस फ्रॉम द लैंड एंड द सीज, वो कहाँ से उदय होता है, कहाँ से निकल के जाता है, सागर से, मिट्टी से, वेपर बन के स्काई में चले जाते हैं, वहाँ पर कंडेंसेशन होते हैं, उसके बाद प्रेसिपिटेशन होते हैं, ठीक है। इट राइजेस टुवर्ड्स द स्काई एंड टेक्स ए बेग्यू शेप इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड, वही बताया आपको, आसमान में चले जाते हैं, क्लाउड बन जाते हैं। व्हेन इट कम्स डाउन इट बर्थ्स एवरीथिंग सॉफ्ट, जब वो बारिश बन के नीचे गिर जाते हैं तो इस अर्थ का हर एक चीज़ को धो देते हैं, क्लीन कर देते हैं, ठीक है। मेक्स द अर्थ प्योर एंड ब्यूटीफुल, इट अगेन गोज बैक टू इन टू द अर्थ विच इज इट्स बर्थ प्लेस एंड साइकिल कंटिन्यूस एंडलेसली, वो पृथ्वी से आकाश में जाते हैं, आसमान में जाते हैं, फिर से पृथ्वी में गिरते हैं बारिश बन के, ऐसे ही जो सर्कल चल रहा होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, देयर आर टू वॉइसेस इन द पोएम, तो वॉइस के बारे में बताया गया है, वो क्या क्या है, किसका है, देयर आर टू वॉइसेस इन द पोएम, वो क्या क्या है वो नहीं बोला, किसका किसका है वो बोला, ठीक है। वन ऑफ देम बिलोंग्स टू द पोएट, एक तो पोएट का है, अनदर बिलोंग टू द रेन, और एक बारिश का है, ठीक है, ये पूछा। और क्या है अगर पूछता तो हु आर दाउ, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, ऐसा लिख सकते थे आप। 16 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, हाउ डज द शावर फॉल, शावर कैसे गिरते, सॉफ्टली। फाइंड द वर्ड इन द पोएम मीन्स एक्स्ट्रा वेगेंस, एक्स्ट्रा वेगेंस का मतलब पोएम से निकलना है, वो है इम्पेलपेबल। व्हाट डज द पोएट आस्क द रेन, पोएट बारिश से क्या पूछते हैं, उसके आइडेंटिटी पूछते हैं, हु आर दाउ, ठीक है, हु आर यू, ये पूछते हैं। फाइंड द वर्ड इन द पोएम मीन्स दैट कैनॉट बी टच, एक वर्ड निकालो पोएम में से जिसका मतलब है दैट कैनॉट बी टच, ऐसा चीज जो आप छू नहीं सकते, वो है इम्पेलपेबल, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए चैप्टर नंबर 3, ये चाइल्डहुड, इसका क्वेश्चन आंसर अभी पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, पोएट कौन है, मार्कस नाथन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द पोएट्स ऑब्सेस विथ, मतलब कभी किस चीज से ग्रस्त है, उसका मन उदास है किस चीज से। द पोएट ऑब्सेस विथ द लॉस ऑफ चाइल्डहुड, उसका जो बचपन खो गया है उस चीज से वो उदास है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे नजर डालिए, एक्सप्लेन माई माइंड वॉज रियली माइंड, ये वाला लाइन एक्सप्लेन करना है। द कोटेड वर्ड्स मीन दैट द पोएट पोएट्स माइंड एक्टेड इंडिपेंडेंटली, जो पोएट का जो माइंड है वो इंडिपेंडेंटली अपने आप काम कर रहा है, ठीक है, एंड वॉज नॉट इन्फ्लुएंस्ड और डायरेक्टेड बाई अदर्स, और उसके दिमाग को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ऐसा बता रहा है कि जो मेरा माइंड है मेरा खुद का है, मेरा जो डिसीजन है मेरा खुद का है, कोई भी मेरे माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई भी मेरे जीवन का डिसीजन नहीं ले सकता, ऐसा बोल रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज हेल एंड हेवन स्टैंड फॉर, हेल और हेवन का मतलब क्या है यहाँ पर। हेल एंड हेवन आर इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी, ओरिजिनल जिंदगी में नहीं होता है, नॉट इवन इन बुक ऑफ जियोग्राफी, जियोग्राफी के बुक में भी नहीं होता है हेल एंड हेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, चाइल्डहुड और एडल्टहुड का डिफरेंस क्या है। डू यू थिंक द ओनली डिफरेंस इज बिटवीन दैट ऑफ इनोसेंस एंड हिपोक्रेसी, क्या तुम समझते हो कि जो सबसे डिफरेंस, मतलब ये बताता है कि क्या आपको लगता है कि
मासूमियत और पाखंड के बीच में एकमात्र अंतर है इस पोएम में। इनोसेंस एंड हिपोक्रेसी ही दिखाता है, अंतर दिखा रहा है इस पोएम में। तो देखिए आंसर, द चाइल्डहुड मीन्स इनोसेंस, इट नोज नो क्राफ्ट एंड हिपोक्रेसी। द मोमेंट ए मैन इज एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द पिचिंग एंड एक्शंस ऑफ द ग्रोन अप्स, ही टॉक्स ए स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स मैच्योरिटी, बिकॉज हिपोक्रेसी इज एंड क्राफ्ट नेचर इज एसोसिएट ओनली विद द वॉल्स ऑफ एडल्ट। तो यहाँ पर बताता है कि जो चाइल्डहुड होते हैं वो इनोसेंस होते हैं, मासूम होते हैं, इट नोज नो क्राफ्ट एंड हिपोक्रेसी, उसको कोई भी हिपोक्रेसी उसमें नहीं होते जब बचपन में, ठीक है। द मोमेंट ए मैन इज एबल टू डिफरेंट, देखिए एडल्टहुड कब आ जाता है, जब कोई भी बच्चा क्या कर सकता है, डिफरेंशिएट कर सकता है टीचिंग एंड एक्शंस ऑफ द ग्रोन अप्स, जब बड़े लोग जो सोचते हैं जो करते हैं उसका एक्शन कुछ और होते हैं और बोलते कुछ और है, ठीक है, तब उसमें मैच्योरिटी आ जाते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर बताता है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट चाइल्डहुड इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। तो यहाँ पर बताता है कि जब हम बड़े होते हैं, ग्रो अप होते हैं, तब हमारे बचपन से बड़े होने का जो प्रक्रिया होते हैं उसमें क्या क्या शामिल होते हैं, ठीक है। तो चलो, अकॉर्डिंग टू द पोएट द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप इन्वॉल्व मेनी थिंग, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इट बिगिंस विद स्टेज व्हेन वन कैन डिफरेंशिएट बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, इमेजिनरी थिंग्स। सबसे पहले तो हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं क्या क्या, कि रियलिटी क्या है, इमेजिनरी थिंग क्या क्या है। सेकेंडली, द सेकेंड स्टेज इज रीच्ड व्हेन वन कैन डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट एडल्ट्स प्लीज, बड़े लोग क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, ही कैन सी थ्रू देयर हिपोक्रेसी। उसके बाद लास्टली, इंडिपेंडेंट थिंकिंग इज द साइन ऑफ ए मैच्योर मैन, और जब एक इंसान अपने आप डिसीजन ले सकते हैं, खुद का कंट्रोल खुद करते हैं, तब पता चल जाता है कि हाँ वो मैच्योर हो चुके हैं, इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड और डायरेक्टेड बाय अदर एज ही वाज इन चाइल्डहुड। जब बचपन में होते हैं मम्मी पापा के डायरेक्शन से चलते हैं, जब बड़े हो जाते हैं कब पता चलता है बड़े हो गए, जब खुद के डिसीजन से चलते हैं, खुद के लाइफ को खुद कंट्रोल करके चले जाते हैं, तब पता चलता है कि हाँ चाइल्डहुड खत्म हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई इज द एज ऑफ 11 सो इम्पोर्टेंट फॉर द पोएट, एज ऑफ 11 इतना इम्पोर्टेंट क्यों है जिंदगी के लिए। द एज ऑफ 11 इज इम्पोर्टेंट फॉर द पोएट, इट इज बिकॉज एट द एज ही वॉज एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन फैक्ट एंड फिक्शन। क्योंकि इसी उम्र में जब 11 साल पार हो जाता है, तब कोई भी इंसान फैक्ट और फिक्शन के डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ट्रूथ क्या है, इमेजिनेशन क्या है, उसको पता चल जाता है, वो रियलाइज कर पाते कि हेल क्या है, हेवन क्या है, कि ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है और इस दुनिया में नहीं होते हैं। द एज ऑफ 11 वॉज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मैच्योरिटी एंड रैशनल थिंकिंग। एज ऑफ 11 फर्स्ट स्टेप होता है जब कोई भी इंसान मैच्योर हो जाते हैं, वो खुद का डिसीजन से चल पाते हैं, अपने आप थिंकिंग कर पाते हैं, ठीक है, उसके थिंकिंग में एक युक्ति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन द पोएम चाइल्डहुड द पोएट आस्क टू क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पूछे हैं, वन इज अबाउट द टाइम, एक टाइम के ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं, और अदर इज अबाउट द प्लेस, प्लेस के ऊपर एक क्वेश्चन पूछे हैं। व्हाई डज आस्क दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं पोएट। इन द पोएम चाइल्डहुड द पोएट आस्क टू क्वेश्चन, वन इज व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, बाय आस्किंग दिस क्वेश्चन ही वॉन्ट्स टू नो व्हेन डिड ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, ठीक है, उसका जो चाइल्डहुड है कब चला गया है वो पूछना चाहता है। यहाँ पर नहीं लिखा, मैं इसका आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ऐड कर दूंगा, ठीक है, वहाँ पर देख लीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वे डिड माई चाइल्डहुड को, कहा गया है उसका चाइल्डहुड, ये दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द पोएम चाइल्डहुड अबाउट, ये जो चाइल्डहुड है इसके ऊपर है, पोएट्स लॉस्ट चाइल्डहुड, पोएट का जो चाइल्डहुड हो चुका है बचपन उसके ऊपर है। आफ्टर व्हाट इज डिड द पोएट रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, किस उम्र में उसको पता चला कि उसका जो चाइल्डहुड है लॉस्ट हो चुका है, 11 की उम्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट द पोएट कुड नॉट फाइंड इन द ज्योग्राफी बुक, ज्योग्राफी बुक में क्या नहीं मिल सकता, बोला है हेल एंड हेवन नहीं मिल सकता। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज अबाउट एडल्ट, एडल्ट के बारे में क्या रियलाइज किया, एडल्ट के बारे में यही रियलाइज किया कि दे आर नॉट व्हाट दे सीम टू बी, वो ऐसे नहीं होते जैसे दिखते हैं, वो बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द एडल्ट्स नॉट व्हाट दे सीम टू बी, यहाँ पर बोला गया है कि जो एडल्ट है वो ऐसे क्यों नहीं है जो जैसे देखते हैं, जैसे दिखते हैं वैसे क्यों नहीं होते हैं, ऐसा क्यों बोला। द टॉक एंड पिच ऑफ लव बट डू नॉट एक्ट सो, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है पोएम में कि वो प्यार के बारे में बोलता है, बातचीत करते रहते हैं, लेकिन ओरिजिनल में वो वैसे एक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 14, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज अबाउट हिज माइंड व्हेन ही इज लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, तो माइंड के बारे में क्या बोला जब उसने अपना बचपन खो दिया था, दैट ही कैन यूज इट इन व्हिचएवर
वे ही वांट्स। जब चाइल्डहुड को जाता है तब ये उसको रियलाइज हुआ है कि हमारा जो दिमाग है हम जहाँ पर चाहें वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, खुद का डिसीजन खुद ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डिड द पोएट कंक्लूड अबाउट हिज लॉस्ट चाइल्डहुड एट द एंड ऑफ द पोएम। जो पोएम में अंत कैसे अंत किया गया है उसके बारे में बताया गया है। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, जो चाइल्डहुड है वो कहाँ पर चला गया, खो गया है, एक फॉरगॉटन प्लेस में गया है, ऐसे एक जगह पर गया है जहाँ से ढूंढना नामुमकिन है, ठीक है। और क्वेश्चन 16 में कहा गया, वेयर कुड सी हिज चाइल्डहुड नाउ, और उसका जो चाइल्डहुड है वो कहाँ पर दिख सकता है। इन्फेंट फेस, बचपन, जो बच्चे होते हैं बच्चे के चेहरे में आपको मिल जाएगा आपका बचपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड चीज, इसका मतलब क्या है। यहाँ पर ये वाला चीज़ पनीर नहीं है भाई, ठीक है, इसका मतलब कम टू एन एंड, मतलब खत्म हो जाना कोई भी चीज़, स्टॉप हो जाना। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच पोएटिक डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन, इस लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है, लाइन क्या है। वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड, तो यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया है, माई माइंड, ठीक है, MM, वॉज इट व्हेन, WW, तो यहाँ पर आपको एलिटरेशन मिलेगा, मतलब एक ही अल्फाबेट बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो ठीक है। तो हमारा लास्ट पोर्शन है फादर टू सन, और उसका पहला क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, कौन है, एलिजाबेथ जेनिंग्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द पोएम फादर टू सन अबाउट, फादर टू सन किसके ऊपर है, यह है फादर सन कंपेयरिंग हिम टू हिज फादर, देयर कोल्ड रिलेशनशिप। यहाँ पर सन क्या कर रहा है, बच्चे क्या कर रहा है, अपने फादर के साथ कंपेयर कर रहा है और उन दोनों का जो कोल्ड रिलेशन है उसको बता रहा है, कोल्ड रिलेशन मतलब खराब रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंड व्हेन ही ट्राई टू बिल्ड ए रिलेशनशिप विथ हिम इन हिज चाइल्डहुड, क्या हो जाता है जब वो ट्राई करता है इन दोनों में रिलेशन बनाने के लिए, तब क्या, हिज एफर्ट्स वेयर इन वेन, उसका एफर्ट क्या बन जाता है, इन वेन, फालतू में चला जाता है। ट्राई करता है कि फादर ट्राई करते हैं कि जो बच्चा है सन है उससे अच्छा एक रिलेशन हो जाए जब बचपन में थे, लेकिन ये जो मेहनत है ये बेकार जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, डज फादर नो अबाउट हिज सन्स लाइक्स एंड डिसलाइक, क्या पिताजी को पता है कि बच्चे क्या पसंद करता है नहीं करता है, बिल्कुल नहीं, नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ दिस चाइल्ड इज बिल्ड टू माई डिजाइन येट व्हाट ही लव्स आई कैनॉट शेयर, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यही है कि हिज सन लुक्स लाइक हिम येट दे डू नॉट हैव एनीथिंग टू शेयर, जो बच्चा जन्म लिया था जब छोटा था तो उसके तरह ही था, ठीक है, सन इज लुक्स लाइक हिम, लेकिन फिर भी एक दूसरे से कोई शेयर नहीं कर पाते हैं अपने मन की बात। देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोडिगल यूज्ड इन द थर्ड स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा में प्रोडिगल यूज किया गया है उस वर्ड, इसका मतलब स्पेंडिंग मनी फ्रीली, मतलब बेकार में आप जो पैसे बर्बाद करते रहते हैं ना लोग, तो उसे प्रोडिगल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सिंस हिज सन वॉज प्रोडिगल वाई डज ही वॉन्ट हिम कम बैक होम, देखिए उसका जो लड़का है प्रोडिगल है फिर भी वो चाहता है कि उसका लड़का घर वापस आ जाए, ऐसा क्यों, टू मेक अमेंड्स विथ हिम, क्योंकि वो चाहता है घर वापस आ जाए और उसके साथ रहना शुरू हो जाए, ठीक है, एक साथ रहे कम से कम। क्वेश्चन नंबर 8, डज द फादर वॉन्ट हिज सन टू मूव अराउंड इन हिज ओन वर्ल्ड, क्या पिताजी चाहते हैं कि जो लड़का है उसका दूसरा दुनिया बना ले, दूसरा संसार बना ले, बिल्कुल नहीं चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, Why was the father ready to forgive him? बच्चे को माफ कर देना चाहता है पिताजी, ऐसा क्यों? To let go of all the sorrows he had inside. वो चाहते हैं कि जितना सारा, क्योंकि वो चाहते हैं कि उसके अंदर मौजूद सभी दुखों को दूर करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, From where does the son anger arise? जो गुस्सा है बच्चे का वो कहाँ से आ जाते हैं? Out of his sadness. उसका जब मन उदास है उस उदासीनता से ही गुस्सा निकल के आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट हैपेंस व्हेन दे बोथ पुट आउट एन एम्प्टी हैंड फॉर द अदर्स टू सीक, मतलब यहाँ पर ये बताता है कि क्या होता है जब दोनों दूसरे की तलाश में खाली हाथ रह जाता है, दोनों को तलाश होता है एक दूसरे का लेकिन फिर भी खाली हाथ रह जाता है, ऐसा एफर्ट्स आर ऑलवेज इन वेन, जिसका एफर्ट है जो मेहनत है वो बेकार जाता है, यही बताया गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सिमिली यूज्ड इन द पोएम फादर टू सन, फादर टू सन में एक सिमिली यूज किया गया है वो क्या है, और वो लाइन है वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, ठीक है, कंपेयर किया गया है सिमिली। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर हाउ लॉन्ग हैव द फादर एंड द सन बीन स्टेइंग टुगेदर इन द सेम हाउस, कितने समय के लिए एक साथ रह रहा है, 4 years, कई सालों से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द फादर्स ग्रेटेस्ट विश फॉर हिज सन, पिताजी का तीव्र इच्छा क्या है अपने बच्चों के लिए,
और वो हिस्सा है द फादर वॉन्ट्स टू चेंज हिज डेड रिलेशनशिप विद हिज सन टू एन अलाइव रिलेशनशिप। पिताजी चाहते हैं कि जो मरा हुआ रिलेशन है उन दोनों का, कोल्ड ठंडा रिलेशन है, संबंध है, उसको ताज़ा करना चाहते थे पिताजी। ही डज नॉट वॉन्ट टू लूज हिज सन, वो नहीं चाहते कि जो बच्चे खो जाए उनसे। ही रिग्रेट्स एट हैविंग लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज टू बिल्ड रिलेशनशिप विद हिज सन, वो पछताते हैं कि कैसे मैंने एक अपॉर्चुनिटी को खो दिया, अपने बच्चे को अच्छा रिलेशन बना सकते थे हम, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गया। बट नाउ ही डिजायर्स टू फॉरगिव एंड स्टार्ट ए न्यू रिलेशनशिप विद हिज सन, तो वो चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे को अभी माफ़ कर दूँ और वो प्रोडिगल सन हमारे लाइफ में वापस आ जाए, एक अच्छा रिलेशन हम बना सके। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डू द फादर एंड द सन शेयर, किसी तरीके का रिलेशन एक दो ये दोनों शेयर करते हैं। व्हाई डज द फादर, और ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सेम क्वेश्चन है, व्हाई डज द फादर फील दैट ही एंड हिज सन आर लाइक स्ट्रेंजर्स टू इच अदर, पिताजी ऐसा क्यों कहते हैं कि जो वो दोनों है स्ट्रेंजर है, ऐसा क्यों कहा गया है। आंसर देखिए, द फादर एंड द सन शेयर ए वेरी कोल्ड रिलेशनशिप, एक ठंडा सा संबंध रिलेशनशिप शेयर करते हैं। देयर इज नो एयर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इन दोनों में कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। दे डू नॉट इवन कम्युनिकेट, अच्छी तरह से बातचीत नहीं करते। दे आर लाइक स्ट्रेंजर्स टू इच अदर, तो इस वजह से कहा गया कि दोनों एक स्ट्रेंजर्स है, अपरिचित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ इज द फादर सेल्फलेसनेस ब्रॉट आउट इन द पोएम फादर सन, ये बहुत बार आ चुका है, 5 to 6 times आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में। तो यहाँ पर पिताजी की हेल्पलेसनेस कैसे दिखाया गया है पोएम में, ठीक है। तो फादर रिपीटेड सेवरल टाइम्स दैट ही कैनॉट अंडरस्टैंड हिज चाइल्ड, बार बार पिताजी यहाँ पर बताता है कि जो वो अपने बेटे को समझ नहीं पा रहा है। दे आर लाइक स्ट्रेंजर्स टू इच अदर, वो अपने आप में एक स्ट्रेंजर्स से ऐसा लग रहा है। दे कांट टॉक टू इच अदर, जो कि स्ट्रेंजर्स ऐसा लग रहा है, तो बातचीत नहीं कर रहा है एक दूसरे से। दिस एक्सप्रेसेस द हेल्पलेसनेस ऑफ द फादर इन द पोएम, तो इसी वजह से पता चल रहा है कि हाँ फादर तो हेल्पलेसनेस है, ठीक है, फादर क्या है, हेल्पलेस है, क्या कर सकता है, क्या करूँ ना करूँ, ऐसा समझ में, ऐसा बातचीत कर रहा है अपने आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज द फादर थिंक ऑफ हिज प्रोडिगल सन, वो प्रोडिगल सन के बारे में क्या सोचता है पिताजी। देखिए मैं बहुत स्पीड यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, थोड़ा अगर गड़बड़ी हो गया है तो बस इसको दोबारा रिपीट करके फिर से सुने, फिर से पढ़ें, ठीक है, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। नहीं तो अभी कोई एक दो उठ के आ जाएगा, कॉमेंट करेगा बेकार है, मत देखो, ऐसा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पढ़ लो, प्रोडिगल सन के बारे में क्या सोचता है। द फादर वॉन्ट्स दैट हिज प्रोडिगल सन मे रिटर्न टू हिज फादर्स हाउस, फादर चाहता है कि जो प्रोडिगल सन है वो अपने घर में वापस आ जाए। स्टार्ट लिविंग ऑन द सेम रूफ विथ हिम, अपने पिताजी के साथ रहे एक छत के नीचे। इज इन ए मोड टू फॉरगिव हिज सन, वो चाहते हैं कि अपने पुत्र को, सन को माफ कर देंगे, ऐसा बोल रहा है। ही डजंट वॉन्ट दैट हिज सन शुड क्रिएट एंड लिव इन द वर्ल्ड ऑफ हिज ओन, वो नहीं चाहते कि उनका जो बच्चा है वो दूसरा संसार बना के जिए। क्वेश्चन नंबर 18, साइड द रीजन बिहाइंड द अनहैप्पीनेस ऑफ द फादर, पिताजी जो अनहैप्पी है इसका रीजन क्या क्या है, व्हाट इज हिज प्रॉब्लम, पिताजी का प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए, द फादर इज अनहैप्पी, ही डजंट अंडरस्टैंड हिज चाइल्ड, दो दे हैव लिविंग अंडर द सेम रूफ फॉर इयर्स, येट ही नोज नथिंग अबाउट हिज सन, समझ में तो आ गया, उसके बच्चे को नहीं समझ पा रहा है, वो एक ही छत के नीचे रहता है। फिर भी फादर इज ईगर टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद हिज सन, पिताजी चाहते हैं कि उसके बच्चे से एक अच्छा रिलेशन बनाए। बट दे कैनॉट शेयर लव बिटवीन दैम, द फादर विशेज दैट हिज प्रोडिगल सन वुड कम बैक टू हिज हाउस, हिज ग्रिप गिव्स बर्थ टू एंगर, तो फादर अनहैप्पी है, तो इसका वजह यही है कि उसका बच्चे के साथ जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं है, वो नहीं चाहती कि जो उसका जो बच्चा है, सन है, वो दूर अपना कोई एक संसार बना ले, वो चाहता है कि जो प्रोडिगल सन है वो फिर से उनके घर वापस आ जाए, और इससे वो दुख, इसके वजह से उनको क्या हो जाता है, दुख हो जाता है, और उस दुख के वजह से गुस्सा निकल के आ जाता है उनको दुख में से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, और दो क्वेश्चन ही बच्चे हैं, 19 and 20, उसके पहले मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल को बी एस ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अभी कोई आके मैसेज करेगा, हाँ ये तो आपने कॉपी पेस्ट किया है, देव्स लाइब्रेरी से लिया है, वो किया है, भाई आंसर तो सेम ही रहेगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि आंसर कुछ अलग बना दें हम, ABCDEFG ऐसा कुछ है, जेड तक है, ऐसा नहीं होगा कि जेड से उल्टा बना के दो, जेड से लिखो, ऐसे नहीं होगा, आंसर तो सेम टू सेम ही रहेगा ना। तो बस मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग पढ़ो अच्छे से, एग्जाम अच्छे से दो। बहुत सारा नेगेटिव कमेंट मुझे दिखाई देता, अच्छा नहीं लगता, आपके हेल्प के लिए बैठा हूँ यहाँ पर। देखो क्वेश्चन क्या है, डज द पोएम फादर टू सन
talk of an exclusive personal experience or is it fairly universal? Give a reason to reply. ये जो फादर टू सन है पोएम है ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, सिर्फ एक इंसान के ऊपर है या फिर यूनिवर्सल है, हर एक फैमिली में होता है, ऐसा है। गिव रीजन, देखिए द एक्सपीरियंस में भी पर्सनल, हाँ एक्सपीरियंस पर्सनल हो सकता है, हर एक व्यक्तिगत हो सकता है, बट एक्सक्लूसिव इट इज़ फेयरली यूनिवर्सल, लेकिन हर घर में ये आपको दिखाई देगा। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज कॉल्ड जेनरेशन गैप, इसे हम जेनरेशन गैप कहेंगे। द सन थिंग्स ऑफ हिज फादर टू बी एन ओल्ड ट्रेडिशन, बच्चे क्या समझते हैं कि जो उसके पिताजी है वो ओल्ड ट्रेडिशन के हैं, पुराने ख्यालात के हैं। वेल द फादर फाइंड्स हिज सन टू बी क्वाइट अपडेटेड विद द प्रेजेंट ट्विस्ट, और पिताजी क्या समझते हैं कि जो बच्चा है वो एकदम अप टू डेटेड है, वो करंट सिचुएशन से काम करते हैं, कैनॉट मैच, तो दोनों में मैच नहीं हो पाते हैं। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम हुए देयर इज अ लार्ज डिस्टेंस बिटवीन दम, तो इसी वजह से क्योंकि एक जनरेशन गैप आ जाते हैं पिताजी और बच्चे के बीच में, तो जिसके वजह से एक दूरी सा आ जाते हैं दोनों में। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए वेयर डज द फादर से दैट साइलेंस अराउंड देम, पिताजी क्यों कहते हैं कि इन दोनों में क्या हो जाता है, साइलेंस हो जाता है, ठीक है स्टॉप सा हो जाता है बातचीत, साइलेंस ऐसा हो जाता है ऐसा क्यों कहा। आंसर इज द फादर सेज सो बिकॉज देयर इज नो कम्युनिकेशन एट ऑल बिटवीन द फादर एंड द सन, क्योंकि उन दोनों में बातचीत होता ही नहीं है, इस वजह से साइलेंस अराउंड देम कहा गया है। द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट कैन बी शेप्ड आउट ऑफ सोरो, सोरो से क्या शेप किया जा सकता है, एक न्यू लव कैन बी शेप्ड आउट ऑफ सोरो, सोरो उदास को सोर के हटा के हम क्या एक बना सकते हैं, ए न्यू लव क्रिएट कर सकते हैं दोनों में, पिताजी और बच्चे में। बस इतना सा ही है, इसका पीडीएफ मैं बिल्कुल दे दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में बीएस ट्यूशन क्लासेस में। ऑल द बेस्ट।